and helping us to know the GST together. So thank you, sir. Thank you. I also welcome all the participants, and I always also say the namaste to all of you. And hope you all are well, and your family is also well. And okay, let's learn GST and let's know our GST, the latest developments and roads ahead. Before starting the GST topic, I would like to share one thing with the viewers that एक बार तेनाली रामा से एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऐसा सेंटेंस बताइए जो किसी सिचुएशन में वही सेंटेंस खुशी देता है और वही सेंटेंस दुख भी देता है, ऐसा कौन सा एक कॉमन सेंटेंस है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये वक्त भी नहीं रहेगा, मतलब कि जब आप अपनी जिंदगी में बहुत सही सब खुशियां मिल रही होती हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये वक्त भी नहीं रहेगा। और जब कभी हम अपनी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हैं तो भी हमें यही सेंटेंस याद करना है कि ये वक्त भी चला जाएगा। तो इसका मतलब जिस वक्त में आज हम बैठे हैं, जो सिचुएशन है, वो भी जल्दी ही चली जाएगी, लेकिन देखिए हम में कितनी स्ट्रेंथ है कि हम उसमें भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और हमने अपना अगर जीएसटी में है तो हम जीएसटी को पकड़े बैठे हैं, हमें पता है जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो हम बहुत बेहतर बनकर ही बाहर निकलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस जीएसटी के सेशन को, जो कि सीए राज चावला जी ने जीएसटी के आने से पहले ही हम सबको सिखाना शुरू कर दिया। तो और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आप देखिए कि कनाडा जैसे कंट्री में जहां पर 30 इयर्स हो गए जीएसटी को आए, वो आज भी यही कहते हैं कि जीएसटी इवॉल्विंग है हमारी कंट्री में। तो आप देखिए ये जो हम सीखने का जो प्रोसेस है और जीएसटी को जानना या जीएसटी के अंदर जो जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो हमें इससे जुड़े ही रहना। अगर हमने एक बार तय कर लिया कि हम जीएसटी से जुड़ गए हैं तो बस अब हम जुड़ चुके हैं। तो इसके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ये आगे क्या होने वाला है, इसे हम रोक नहीं सकते, इसके साथ हमें जुड़े रहना है। तो आप देखिए कि सीए राज चावला जी की प्लानिंग कितनी बड़ी है, वो 2017 से पहले से लगे हैं और वो आपका साथ देखिए कितना लंबा देने वाले हैं इस पूरी जर्नी के अंदर, जीएसटी की जर्नी के अंदर। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर साथ सीखते हैं। आज मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने जीएसटी को जानने के लिए। आज जो हम चीजें सीखने वाले हैं, एक तो हम लेटेस्ट क्या जानेंगे, लेटेस्ट एक तो हम जीएसटी काउंसिल जो 39th मीटिंग हुई थी 14th ऑफ मार्च को, वहां से लेकर आज तक की जर्नी को हम आज इस जर्नी को कवर करते हैं। ठीक है, हम लोग घर बैठे हैं अपने अपने, लेकिन आज हम जीएसटी की जर्नी को लेकर चलते हैं ऑनलाइन जर्नी के थ्रू। तो टुडेज एजेंडा वी विल कवर 39 जीएसटी काउंसिल, व्हाट हैज हैपेंड देयर, बिकॉज दैट डिसीजंस दे वर वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑफ कोर्स इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड। सर्टेन हैज ऑलरेडी बीन इंप्लीमेंटेड थ्रू द नोटिफिकेशंस। And due to this COVID crisis, we are also facing so many problems. And whatever government can provide us the relief, that too has been notified. And in the last, in this session, we will deal with the question answers. Okay, let's start with the 39th GST Council meeting, which happened on the 14th March 2020. That what happened during that. So the first important thing they talked in that meeting, it was regarding the GST registration. So government was facing so many problems. Till time, it's not you who is facing the so many problem. Government is also facing the so many problem, and their basic and the most worry for the government is about the fake invoicing and the fraudulent passing of the ITC. So government is concerned and they are putting an eyes on these two major areas. And since these 3 years, they have found that so many fake invoicing, so many wrong claim of the ITC, in fact, the fraudulent claiming of the ITC cases, they were detected. Now, in order to solve the problems, now they want to reach at the fundamental thing. Fundamental thing
कि वो उसकी जड़ से ही शुरुआत करना चाहते हैं कि जब जीएसटी को कोई पर्सन एडॉप्ट ही करता है, वो कहां से एडॉप्ट करता है, वो जब उसके अंदर रजिस्टर होता है तो वो उसको उसके रजिस्ट्रेशन से ही पकड़ लेना चाहते हैं। और जो केसेस सामने आए थे उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी, जो फेक इनवॉइसिंग और आईटीसी फेक के केसेस थे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर इशू आ रहा था कि ज्यादातर लोग क्या मॉडल्स ऑपरेंडी फॉलो करते थे, वो प्रोप्राइटरशिप बनाते थे। और होता क्या था कि ये जो प्रोप्राइटरशिप बन जाती थी, ये कोई बिग टाइकून है या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बैड इंटेंशन है, वो अपने ड्राइवर का, अपने असिस्टेंट का, अपने जो उनके मेड है या सर्वेंट्स हैं, उनके ही नाम पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दिया। और फाइनली होता क्या था कि जब भी ये फ्रॉड हो जाता था और गवर्नमेंट जैसे इन लोगों को ट्रेस करने के लिए आती थी, कुछ लोग तो ट्रेस कर नहीं पाती थी या कुछ ऐसे तरह की कम्युनिटी जो है वो सामने आती थी, और बैक एंड पे मास्टरमाइंड कौन है वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसको रूट से ही पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने इसी मीटिंग के अंदर डिस्कस किया कि जो हम जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देंगे उस टाइम पर हम नॉर्म स्ट्रिक्ट करेंगे। अब नॉर्म स्ट्रिक्ट करने का यह मतलब नहीं है कि मैं किसी ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए भी नॉर्म स्ट्रिक्ट कर दूं, राइट? तो क्या होता है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि सबके लिए एक तरह का लॉ होगा। इन द सेंस, जैसे कि मैं कई बार देखती हूँ कि कुछ क्लाइंट से मिलती हूँ, कुछ बिजनेस ओनर से मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों से मेरी बात होती है तो मुझे पता लगा कि जैसे कुछ लोग जीएसटी के अंदर जैसे अरेस्ट का प्रोविजन है, वो जीएसटी के अरेस्ट से डरता है। तो मुझे ऐसे लगता है इसके ऊपर तो जीएसटी का अरेस्ट का प्रोविजन लगता भी नहीं है, तो ये क्यों डर रहा है? और मुझे सबसे बड़ी हैरानी तब होती है कि जिसके ऊपर जीएसटी अरेस्ट की प्रोविजन लगती है उसके अंदर तो डर ही नहीं है, वो तो बेखौफ काम कर रहा है। तो जिसको तो डरना चाहिए वो तो फियरलेस है, और जिसको नहीं डरना चाहिए वो डरा हुआ है। तो ऐसा एनवायरनमेंट एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी लॉ कोई भी प्रोविजन बनाई जाती है तो एक ऑनेस्ट टैक्सपेयर, जहां तक मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ टैक्सपेयर जो होते हैं वो ऑनेस्ट ही होते हैं, तो गवर्नमेंट सोचती है कि जो ऑनेस्ट टैक्सपेयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, एक पैकेज बनना चाहिए कि जो सबके लिए आसान हो। लेकिन जिसका माइंड जो है वो फ्रॉडुलेंटली वर्क करने में लगा है, उसके लिए वो लॉ साइमल्टेनियसली बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि उसके लिए प्रॉब्लम्स और हर्डल्स होनी चाहिए, लेकिन जो एक ऑनेस्ट पर्सन है उसके लिए तो चीजें बहुत ही सिंप्लीफाइड और स्मूथ होनी चाहिए। तो आप जो ये बात मैंने आपको बताई, इसी बात को हम एप्लीकेबल कराते हैं और देखते हैं कि कैसे यही बात इम्प्लीमेंट की गई जब हमने ये नई प्रोविजन जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ उन्होंने कहा कि आप ये नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा जो मैंने इस बॉक्स एक्ट बॉक्स नंबर 2 में लिख रखे हैं, नोटिफिकेशन नंबर 17, 18 और 19। ये नोटिफिकेशन इशू हो चुके हैं जो ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। यहाँ पर उन्होंने जो बेसिक बात की थी वो ऑथेंटिफिकेशन ऑफ आपका आधार था, यानी कि क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में क्या है, या चाहे ऑथोराइज्ड पर्सन प्राइवेट लिमिटेड का है जो उसका डायरेक्टर है, तो उन सबकी क्या है, आधार से लिंकिंग करनी बहुत जरूरी है, राइट? तो देखिए, अगर तो आपके पास आधार है, आप आधार के थ्रू आप इमीडिएटली अपने आप को वेरीफाई करा देते हैं, तो आप एक ऑनेस्ट हैं, आप पे कर रहे हैं और आपने एकदम से दिखाया और स्मूथली आपका काम होगा, आपके लिए कोई भी ट्रबल यहाँ पे नहीं क्रिएट की गई। लेकिन ट्रबल किसके लिए क्रिएट करी गई, एक हर्डल किसको पार करके जाना है, जिसके पास आधार नहीं है, आधार की ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा क्योंकि आधार ही नहीं है। तो ठीक है, आपको राइट है अपना बिजनेस करने के लिए, ठीक है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आपको कोई रोक नहीं रहा, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपसे कुछ एडिशनल मांगा जा रहा है। उस केस में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, आप अप्लाई करिए, आपके पास आधार नहीं है, इवन देन आप अप्लाई करिए, उसके बाद एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया, और जो आपके बॉक्स नंबर 3 देख पा रहे हैं इसके अंदर थर्ड अमेंडमेंट 2020 सीजीएसटी रूल्स की भी की गई, जो कि इस 23rd
मार्च 2020 को इशू कर दिया गया। तो आप एक फ्लो देखिए कि सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी वो 14 मार्च को हुई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी मंथ ऑफ मार्च के लिए। उसके बाद हमारे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 23 मार्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जिसके अंदर की आप जब जैसे ही सीबीएसई की वेबसाइट खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि एन नंबर ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 23 मार्च को इशू हो गए थे। तो उनमें से ही एक नोटिफिकेशन है जो कि रजिस्ट्रेशन को डील करता है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा है। सबसे पहले वो कह रहा है कि फेल, यहां पर देखिए सबको परेशान नहीं किया जा रहा, तो आप उस पॉइंट को साथ में लेकर चलिए कि जो पर्सन फेल्स टू ऑथेंटिकेट आधार नंबर, उसके लिए देखिए क्या करेंगे। आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप खुद ही ऐसे क्लाइंट हैं, तो इन दैट केस आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। या तो आप सब पर्सन को एनकरेज करिए कि देखिए आप अपना आधार बनवाइए, क्योंकि आधार होना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई क्लाइंट आ जाता है और वो आधार नहीं है, तो आप उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो देखिए वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपके प्रेमिसेस की जो पर्सन अप्लाई कर रहा है इस तरह के रजिस्ट्रेशन को, उसके प्रेमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। दूसरा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फिजिकल वेरिफिकेशन, तो ठीक है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन, यानी कि जो एप्लीकेंट है, जो प्रोपराइटर है, उसे खुद वहां प्रेजेंट होना होगा, राइट? और उसके लिए उन्होंने एक प्रोसीजर भी बताया है, और ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ये प्रोविजन अब एप्लीकेबल हो चुकी है। मैं आपको अगली स्लाइड में इसका प्रोसीजर बताती हूँ। अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा, जिसे भी वो ऑथोराइज करता है, वो आपके प्रेमिसेस, उस एप्लीकेंट के प्रेमिसेस में आएगा और उसका प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। दूसरा, वो वहां पर आके वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाएगा और आपसे अदर डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा, राइट? तो इसमें किसी भी तरह देखिए, जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोवाइड वैसे ही करते हैं, तो हो सकता है कई बार कुछ वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड भी कर सकता है। इन दैट केस तो आपको उन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके, आपका एड्रेस प्रूफ बेसिकली एक फंडामेंटल होता है, वो होना जरूरी है। उस पर्सन का खुद का वेरिफिकेशन कि वो पर्सन कौन है, उसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो है, वो किसी भी तरह का रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वहां आकर आपसे मांग सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ नोट करेंगे वो है फोटोग्राफ। जब वो प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रेमिसेस में आता है, तो वहां पर आपके प्रेमिसेस के अंदर उस कंसर्न पर्सन, जो ऑथराइज्ड, जो एप्लीकेंट है, जो प्रोप्राइटर है या ऑथराइज्ड पर्सन है उस कंपनी का, उसकी प्रेजेंस में उसकी फोटोग्राफ भी रिकॉर्ड के लिए ली जाएगी। और बाद में जब ये ऑफिसर आपकी रिपोर्ट और आपकी फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स लेके वापस अपने ऑफिस जाएगा, तो विदिन 15 डेज वो आप REG 30 फॉर्म के अंदर ये सारी डिटेल्स को अपलोड करेगा कि उसने आपके प्रेमिसेस को वेरीफाई किया है। अब यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है जानने वाली कि उसको कितना टाइम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, कि कितने टाइम तक, उसको 60 डेज का टाइम दिया गया है कि आप विद इन 60 डेज इस काम को कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ एक और पॉइंट नोट करिए, इस रूल 25 में जहाँ स्टार्टिंग में ही लिखा है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू, फर्स्ट थिंग इज फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू टू एनी अदर रीजन। तो कोई भी दूसरा रीजन भी हो सकता है जहां उसको लगता है कि मुझे इसका वेरिफिकेशन करना है और इस प्रोसीजर के अंदर करना है, इस रूल 25 के अंदर करना है, तो उसके पास पावर है कि वो आपके प्रेमिसेस की वेरिफिकेशन कर सकता है। इवन आज की डेट में भी, क्योंकि लॉ में इटसेल्फ वेरिफिकेशन का पॉइंट रूल्स में पहले से ही मेंशन है, उन्हें पावर दी गई है। ये एक यूनिक तरह से एक एडिशनल पावर जो है विद रूल्स प्रिस्क्राइब की गई है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज को इंसर्ट करने का। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव था ये जो फ्रॉडुलेंट
रजिस्टर्ड लोग हैं जो फ्रॉडुलेंट इनवॉइसिंग का काम करते हैं, ये उनको पकड़ने के लिए. अदरवाइज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रेमिसेस अभी भी रूल है और बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ऑफिसर आते हैं, आपका वेरिफिकेशन फिजिकल करते हैं, इवन फोटोग्राफ्स लेकर जाते हैं. तो वो सिस्टम आज भी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑफिसर आता भी है ऑफिस में तो आप बिल्कुल डरिए मत. आप इनफैक्ट उसको हेल्प करें, असिस्ट करें और उसकी उसको आने दें. और वो जैसी भी इंफॉर्मेशन मांगता है आप उसे दीजिए, जैसी भी, इन द सेंस मैं ये नहीं कहूंगी वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है. अगर वो आपके प्रेमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करने आया है तो उसके पास किस किस तरह की पावर है ये एक नॉलेज होना जरूरी है कि वो आपसे आपका एड्रेस प्रूफ, आपकी प्रेजेंस वहां पर मांग सकता है कि आप प्रेजेंट हैं, कहीं वो फेक तो नहीं है. तो इस तरह की चीजें वो आपसे मांग सकता है. लेकिन ये भी चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि वो अननेसेसरली या बियॉन्ड पावर्स आपसे कुछ ना मांगे. देखिए आप उसका ऑब्जेक्टिव समझिए कि वो किस पर्पज से आया है. तो आपको उसको उस ऑब्जेक्टिव के अंदर उसको असिस्ट करना है और जैसा वो डॉक्यूमेंट उस पावर्स के अंडर मांगता है वहीं तक आप उसको वह इंफॉर्मेशन दीजिए फियरलेसली. एक एड्रेस ही तो मांग रहा है वो आपसे, तो आप उसको एड्रेस प्रूफ दीजिए. आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं तो आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि ये चीज मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूं. तो ये तो उन लोगों के लिए एक नई प्रोविजन ऐड की गई. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. बहुत सारे लोग थे जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे कि आप जो लोग की जीएसटी का रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर रहे थे, 2 महीने से ऊपर हो गए थे, तो उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है. फिर नोटिस भी आता है, फिर क्या होता है कि कुछ लोग उस नोटिस को 30 डेज 15 डेज का टाइम भी दिया जाता है, वो रिप्लाई भी नहीं करते हैं. फिर उसके बाद रिवोक कराने का जो है टाइम 30 डेज का फिर एडिशनल दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एडिशनल 30 डेज की पावर ज्वाइंट कमिश्नर कमिश्नर के पास रहती है. तो अगर आप उस टाइम स्लॉट में कहीं हैं तो आप जाकर कमिश्नर से बात करके, ज्वाइंट कमिश्नर से बात करके अपने इस तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं. लेकिन ये जो 39 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी इसके अंदर ये बात की गई कि जिन जिन लोगों का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है टिल द टाइम 14th of March, उन सबको उन्होंने टाइम दिया कि आप 30th जून 2020 तक अपना रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन जो है वो करवा लीजिए. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं और किसी भी रीजन से आपका जीएसटी का नंबर कैंसिल हो चुका है, और तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी कि वो लोग इमीजिएटली स्टेप लें और अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को रिवाइव करा लें अगर वो आगे बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि नाउ दिस इज अगेन अ टाइम. अदरवाइज अगर आज आपने इस ट्रेन को मिस कर दिया तो हैसल्स बहुत है. हैसल इन द सेंस कि फिर फर्दर केस अपील में जाएगा, फिर अपील का भी एक लिमिटेशन टाइम पीरियड होता है, तो वहां पर आपके लिए हैसल्स बहुत ज्यादा है. तो उन हैसल्स से बचने के लिए और अपने बिजनेस को बहुत स्मूथली करने के लिए तो आज फिर एक अपॉर्चुनिटी है. तो आप अपना रजिस्ट्रेशन रिवाइव करा लीजिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है 30th of June तक की. चलिए अब आगे बात करते हैं इंक्रीमेंटल चेंजेस इन एग्जिस्टिंग रिटर्न फाइलिंग सिस्टम. ये भी बात जो थी वो 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ही की गई. पहली बार ऐसा हुआ कि जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग के अंदर जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इंफोसिस के जो ओनर हैं श्री नंदन नीलकानी जी वो प्रेजेंट थे. उन्हें क्यों इस मीटिंग में प्रेजेंट कराया गया, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत परेशान थी कि जो जीएसटीएन की जो जीएसटी की वेबसाइट है वहां पर बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच हैं और वो उनसे जवाब मांग रही है. बहुत देर से फाइनेंस मिनिस्टर खुद उनसे बात कर रहे थे कि हमारी इस प्रॉब्लम का हमें इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए.
तो उन्हें सबसे पहले बोला गया कि इसके ऊपर बात करिए। अब दूसरा, इस टाइम पर, इस सिचुएशन में एक पॉइंट और खड़ा था कि 1 अप्रैल 2020 से जो जीएसटी की न्यू रिटर्न्स थी, एनेक्सर 1, 2 और आपकी आरईटी के फॉर्म जो थे, उसको 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट होना था। आज ये सिचुएशन जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये थी 14 मार्च। अब उधर से क्या था कि आप कह चुके थे कि 1 अप्रैल से न्यू रिटर्न आएंगी। इमीजिएटली इसी वाले 39 काउंसिल मीटिंग में सबसे पहले तो ये भी काम किया गया कि वो जो न्यू रिटर्न्स थी उसको तो एक साइड पे रख दिया गया और बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है इसी को हम सितंबर तक कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ मिस्टर नीलकानी ने सजेशन दिया कि ऐसा करते हैं कि जो ये टैक्स इवेजन हो रहा है, जो फ्रॉडुलेंट काम हो रहे हैं, जो ये फ्रॉडुलेंट काम हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, सबसे पहले जो इस टाइम पर जरूरत है, अगर अभी हम न्यू की बात नहीं करते, अभी वो एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि ये जो GSTR 1 है, ये जो 3 भी है और उधर से ही आपकी 2 है, ये तीनों की तीनों आपस में बहुत इंडिपेंडेंट रिटर्न्स हैं। इनका आपस में कोई इंटर रिलेशनशिप तो है ही नहीं है, ये इंटरलिंक्ड नहीं है। इंटर रिलेशनशिप तो है, इंटरलिंक्ड नहीं है टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि ऐसा नहीं है कि एक रिटर्न का डेटा ऑटो पॉपुलेट जैसे कि दूसरे में हो जाए, थ्रू ऑटो पॉपुलेशन सारी तीनों की तीनों आपस में मिल जाए, तो ऐसा कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उधर से आप बात कर रहे हैं कि नया सिस्टम आएगा, तो नया सिस्टम को लेकर आने से पहले, यानी कि न्यू रिटर्न को लाने से पहले, ऐसा करते हैं कि एक इंक्रीमेंटल चेंजेस लेकर आते हैं धीरे धीरे एग्जिस्टिंग सिस्टम की तरफ। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो आपका GSTR 1 है और 3 भी है, इन दोनों को आपस में लिंक करते हैं, राइट? फिर उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि ये जो 2A है, ये एक्चुअली तो जस्ट फॉर व्यू है, इसे आप सिर्फ देख सकते हैं, क्या इसको भी लाइव किया जाए, कि इसको भी लाइव करते हैं, ताकि क्या हो, जो ये 2A आपकी, इसका भी लिंकिंग हम कर देते हैं 3B के साथ। तो इस तरह का एक ब्रॉड क्राइटेरिया जो है इस मीटिंग के अंदर प्रपोज किया गया, यानी कि यहाँ से ये आप एक महक देख रहे हैं कि न्यू सिस्टम से पहले उन्होंने ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग है इसी को ठीक कर देते हैं, ताकि जब नया सिस्टम आए लोग उसको, उसकी हैबिट में हो, उसको यूज टू हो, उनको वो सिस्टम अच्छे से पता लग जाए। अब देखिए, इसी मीटिंग के अंदर ये भी कहा गया कि जो आपका 1 और 3 भी है, ये कंटिन्यू रहेगा सितंबर 2020 तक, और जो आपका GSTR 1 और 3 भी तो रहेंगे, लेकिन जो हमने बात की थी, गवर्नमेंट ने बात की थी 1 अप्रैल से न्यू रिटर्न को लाने की, वो एप्लीकेबल अभी नहीं होंगी, यानी कि अभी गवर्नमेंट उस नए फेज में नहीं जाना चाहती। तो जब मैंने इन दोनों चीजों को पढ़ा तो मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आया कि अब नए सिस्टम की क्या जरूरत है, अगर ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही अच्छा बना रहे हैं। तो जैसे ही मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन आए तो मैंने इमीजिएटली बोर्ड को अपनी रिकमेंडेशन सबमिट की। तो मैंने जो एक सजेशन लिखा बोर्ड को, तो उस सजेशन में मैंने उनसे कहा, ये सेम वही एक्सट्रैक्ट है जो मैंने बोर्ड को अपनी रिकमेंडेशन देते हुए एक सजेशन दिया है। यहाँ मैंने सजेशन दिया कि इट हैज बीन सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम दैट इज GSTR 1, 2 एंड 3 भी विद द न्यू रिटर्न्स दैट इज एन एक्स्ट्रा 1, 2 एंड फॉर्म RET मेक द एग्जिस्टिंग सिस्टम परफेक्ट, then the procedural aspects of the return filing under GSTR 1, 1A, 2, 2A3 it was launched at the time of rollout of the GST on the 1st July 2020. It was based on the fundamental principle of GST. And in fact, the brilliant minds, they worked to make GSTR 1, 2 and 3. There is a requirement
to simplify the existing system without losing the fundamental aspects of the GST. No doubt, new return system is based on fundamental concept of GST and step towards simplification too. Every time making changes may cause problem to trade, industry, and the various stakeholders. On the coming 1st July 2020, GST will complete 3 years, and all the stakeholders, they have understood the mechanism of GSTR 1, 2A, and 3B. At this stage, digesting some new return may be difficult. Therefore, objective of simplification and to mitigate the tax evasion can be achieved by making changes in existing GSTR 1, 2A, and 3B. Features of the new return can be added in existing system. It is recommended that instead of launching the new return filing mechanism, energy and endeavors to be utilized to simplify the existing return filing system. So these are my opinion, my suggestion. But along with this, I also want the viewers of this webinar to please give your suggestions, or you can give your suggestion on this matter in the chat box also, that whether are you satisfied with the new system with value addition? I'm not saying that the existing system is the perfect one, no doubt. Do you want that the existing system should be made perfect with value addition? I think ma'am has some connection issues. She will be reconnecting in a moment. In the meantime, you can post your queries in Q&A. Am I audible now? Yes, ma'am, you are audible. Yeah, there was some technical glitch. Not an issue. It happens. Workload on the internet. So now we can understand these things really happen. Can you please share your screen? Okay. Yeah. Thank you so much, ma'am. So, am I audible to all? Am I audible? Yes, ma'am, audible. Okay. So, I would request all the viewers to please share your comments, or please share your personal opinion, whether the existing with the good features, additional feature is perfect, or there is a need for the new return mechanism. Okay. So this, as you are aware that existing for outward supplies, there is GSTR 1, and simultaneously if we talk about the new, they have proposed the annexure 1. This is not any type of the return. It is just a real-time reporting system that is annexure 1. And it is just like GSTR 1, right? But of course with the simplification and the additional features.
Then we talk, when we talk about the 2A, it talks about the inward supply and annexure 2 in the new return mechanism. It also deals with your inward supplies, right? And GSTR 3B, which was initially launched just for the sake that it is a temporary type of thing, and till time it's working. And even at the initial time, people were saying that it is not actually the return, this is actually a challan mechanism, and it's just like a challan. So, but later on, so the late fees interest should not be charged, or late fee should not be charged while filing the 3B. But then government realized and they declared this 3B as a main return with retrospective effect. And for in substitute to this 3B, there are two type of things, that is your RET, final complete monthly return. This is there is an auto population from annexure 1 and 2. Apart from this, so many other things you have to report in RET 1. But most, approximately 80% of the things, they are auto populated through annexure 1 and annexure 2. And then for the payment mechanism, there is another one different form, that is the PMT 08. So this is all about the new returns, brief about the new returns, right? Now the next thing which is launched, which is talked in this 39 GST council meeting, is know your supplier. So under know your supplier, you may be thinking that what is the meaning of this know your supplier? Is government putting again one more burden on me to know my supplier? Or I have to do the KYC of my supplier? What government is expecting out of this know your supplier? They have mentioned this point, know your supplier, in 39 GST council meeting. What is the meaning here? The meaning under this is that government will provide you the data. It doesn't mean that you will do some type of the KYC of your supplier. No, not at all. This is not the intention. What is the intention of government here? That, of course, you know your supplier, but the data or the information about your supplier will be provided by the government. Now the question arises, how government will provide us this data? Even right now, even till time, government has also provided one facility to know our suppliers. If you visit the GST portal, GST portal, if you log in before the login, in fact, of the GST portal, there is a one facility where you can enter the GSTN number of your supplier, and you will come to know about the brief introduction, or the brief details, profile, address, active status of your suppliers. And apart from this also, they also provide you the facility to know the return filing status of your suppliers. Like they are providing the whole history. They are providing that whether your supplier is disciplined, whether your supplier is making the compliances, whether he's timely filing the returns, right? So on the basis of that, they are providing you at least the history so that you come to know about your suppliers. Now, this is the basic thing which is already into existence, but they want to go beyond that. What is their intention? Like, of course, one basic information which even till today is available, it will continue to be available. Maybe some additional information which should be provided to the general public that may be added at the common portal. But after the login, some additional information about your supplier will also be given to you. Right? That facility will only after the login, so that you can get the additional information about the supplier. Once you have some common, some specific information about your supplier, now you can take a decision. Many times there are certain new entrants,
new entrants like the startups, sometimes it is very difficult for them to know about the suppliers. If the history of supplier and the information of supplier is provided by the government, it is easy for them to know their suppliers. And sometimes you are dealing with the certain new entrant, even then you can get certain type of the information at the government platform. So it means this is a facility, and why they are providing this facility to you? Reason being, they have now said that, for example, if in future supplier government is unable to trace the supplier, right? And at the same time, you as a recipient has already paid your tax to the supplier, but government is unable to identify the supplier, and this supplier is not even filing the returns. He has not deposited the tax with the government. At that time, government has additionally added that if they will not be unable to trace such type of people, then they will hold the recipient responsible and they will collect the tax from the recipient. That's why they want to make you extra vigilant about your suppliers. In fact, I think it is these days after the GST, it is very important to know the suppliers. Vendor management, supplier management is the most important thing in the GST. Reason being, your input tax credit is always at the stake due to your suppliers, because you can't claim if your supplier is not filing the returns, if it is not visible on the 2A. So it means you are always stuck with the ITC, or your working capital is always at the stake, or your working capital there will be the problem of working capital if your supplier is not filing the returns on time. So it means overall, if we see all the points together, then we can realize that know your supplier is the most important thing in GST, and we should put an, in fact, the extra efforts at our own level to know our suppliers and do the vendor management for your business and for the smooth functioning of your business. Okay, now the next thing about the interest on the next net tax liability under Section 50 of CGST Act 2017. So since long, there is a fight about the interest on delayed payment, like interest, whether the interest to be charged for the delayed payment of tax on the net tax or the gross, right? So there was a fight. Fight started when due to this mega engineering and infrastructure case. In this, the Telangana High Court, in their judgment, they said that the interest will be charged on the gross. So gross, what is the meaning of gross here? Like gross means without the ITC, what is the total amount on that it will be charged. But the Madras High Court, in the case of the Refrax Industries Limited, they gave the judgment that no, it will be on the net. So what happened, even in the Finance Act 2019, they talked about that the interest will be charged on the net. But due to all this ambiguity, what department was doing, department was sending the notices. And they were asking the assessors or the taxpayers to pay the interest on the gross amount instead of the net. And unfortunately, many people, they pay the interest on the gross amount. So there was an ambiguity. And finally, to remove this whole ambiguity, in this 39 GST Council, now it was clearly announced that the interest will be charged on the net tax liability, right? So now it's declared, and that too, and there is a one good news here, that this provision, this notification will be implemented retrospectively from 1st July 2017. Okay, it's a very good for us. It's a good news for us that interest is now charged on the net tax liability, not on the gross. Right. But the one question arises in my mind,
Then what is the plight of Section 50 interest on those people who have already paid the interest on the gross? Will government give them the refund? So, but in this meeting, our government has not till time talked about the refund for those people who have already gave the interest on the gross. So why I'm talking this point here? Because when I study this provision very closely, then I realize that this provision it is from the retrospective effect. So what it means, if I think about the Constitution of India, as per the Constitution of India, if the department is not having the power to collect any type of tax or the interest, they can't take, right? So they can't take that interest amount. So it means there is a question of Constitution of India here. And at the most, I also think that this is an unjust and matter of the unjust enrichment of the department, right? For the government revenue. Because reason being, the person should not be charged interest, but if due to certain reasons, due to certain ambiguities, if the department has taken the interest on the gross amount, I think just for the sake of the justice, in the matter of the national justice, these refunds should be given to those people. But of course, the people who have faced these problems, they should take an initiative and they should also fight to get the refund under these matters, because it is their right. They have the fundamental, because there is a point of the Constitution of India, and on the basis of this justice, they can of course gain their refund, but they have to justify and they have to fight for the same. Now the next thing is the annual return and GST audit relaxations. So what this meeting talked about here, about the audit, that is the 9C. Now they have increased the threshold limit for 9C, and that to financial year 2018 and 19 up to 5 crore from the 2 crores, right? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको यहाँ आप जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बात जो उन्होंने कही है वो सिर्फ 2018 और 19 के लिए ही कही है. 2017 और 18 का तो आप 9C और 9 का सिस्टम ऑलरेडी ही कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है. लेकिन 18 और 19 जिसकी डेट अभी उन्होंने 30 जून तक एक्सटेंड भी की है, यहाँ पर एडिशनली वो ये बात भी कर रही है मीटिंग कि क्यों ना ये जो 9C है इसको 18-19 के लिए इसकी लिमिट को 2 करोड़ से हम 5 करोड़ कर देते, राइट? दूसरा, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों सोचा जाता है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कारण क्या होता है कि ये क्यों 2 से 5 हो जाती है, ऐसा गवर्नमेंट डिसीजन कब लेती है. तो उसके लिए मैं आपको यहाँ एक डेटा दिखाती हूँ. आप देखिए, जब आप ये 9C का डेटा यहाँ से देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 में देखिए, सीरियल नंबर 4 के आगे आप देखिए कि 9C जो थी वो 1,241,764 लो टैक्स पेयर्स को भरनी थी, राइट? और देखिए 24 जनवरी 2020 तक सिर्फ 2,46,547 लोगों ने भरी, यानी कि सिर्फ 19% लोग भर के बैठे थे. फिर गवर्नमेंट ने इसकी डेट को एक्सटेंड किया और देखिए 19 फरवरी को ये फिगर कहां से कहां शूट हो गई, 9,67,062 लोगों ने अपना 9C भर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी फिगर है. तो आप देख पा रहे हैं कि 78% लोगों ने तो अपना 9C भर ही दिया. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो 22% लोगों ने अपना रिटर्न नहीं भरा, तो गवर्नमेंट उसका एनालिसिस करती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं भर रहे हैं. तो यहां मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं
सारे फिगर्स तो नहीं होगा, बहुत तरह के इस पैकेज में या इस किटी में बहुत सारे तरह के लोग होंगे, लेकिन हो सकता है कि ये फिगर ऐसे बहुत सारे लोगों की होगी जो कि 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में लाई कर रहे होंगे। तो कई बार क्या होता है, इस जोन में जो लोग लाई कर रहे होंगे, मे भी कई बार ऐसा होता है कि कोई फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा या कुछ भी रीजन से वो नहीं फाइल करा, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हो सकता है लगेगा कि अगर ये फिगर 5 करोड़ तक पहुंच जाती है तो हो सकता है कि 18-19 में जहां आपको ये फिगर 78% दिख रही है, तो कहीं ना कहीं 90 या 95% तक ये फिगर इजीली पहुंच भी सकती है कि इतने लोग कंप्लाइंट ही हो जाएंगे। यहाँ मैं आपकी नॉलेज के लिए आपके साथ यहाँ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं, मैं मुझे ये कंप्लायंस का फिगर एक बहुत रीजनेबल लग रहा है कि 3 साल जीएसटी के हुए हैं और गवर्नमेंट 9C जैसी रिटर्न जो भर रहे हैं लोग, 78% लोग उस रिटर्न को भर पा रहे हैं, तो एक अच्छा कंप्लायंस लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहला भी स्टेटमेंट दिया कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, तो ऑनेस्ट टैक्सपेयर होता है, तो हम इन सब ऑनेस्ट टैक्सपेयर का गवर्नमेंट को हमेशा हमेशा ध्यान रखना होता है। और आपकी नॉलेज के लिए यहाँ बताना चाहूंगी कि पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री नंबर 1 पर है, जो फर्स्ट प्लेस पे आता है अपने कंप्लायंसेस को लेकर, कि वहां के जो टैक्स पेयर हैं नंबर 1 माने जाते हैं, वो कंट्री नंबर 1 मानी जाती है कंप्लायंस करने के लिए, वो कंट्री है यूएस। तो वहां पर कंप्लायंस रेट बहुत अच्छा है, लोग कंप्लायंस को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से आज मुझे ये चीज लग रही है कि इंडिया के अंदर भी वेरी सून शायद हम अमेरिका से ऊपर पहुंच जाएंगे और हमारा ही नाम आएगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां कंप्लायंस नंबर 1 पे किया जाता है। तो इट्स अ हैप्पी न्यूज एंड गुड न्यूज फॉर अस। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, 9 और 9C डेट एक्सटेंशन। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आपका जो 9 और 9C है इसका डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। पहले आपसे कहा गया था कि आप 31 मार्च 2020 तक इसे फाइल करेंगे, लेकिन अब आपके पास वक्त है 30 जून तक का, आप इसे फाइल करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक बात और की गई थी लेट फी के वेवर की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जैसे मैंने बताया इस डेटा के अंदर कि अभी देखिए बाकी हैं। अगर आप यहाँ देखें 9 की भी मैं आपको डेटा दिखा रही हूँ कि 70% लोग 9 भर चुके हैं, ये 2017-18 का फिगर है, और 70% लोग भर चुके हैं। अभी गवर्नमेंट का ध्यान 30% पर भी है कि आप भी भरिए। अब होता क्या है कि जो जो रह जाता है भरना टाइम से, उसके कुछ चंक लोग ऐसा चंक होता है जो क्यों नहीं भरता। होता क्या है कि उसको लगता है लेट फी लगने लग गई, इंटरेस्ट लगने लग गया, तो वो लेट फी के डर से ही वो आराम आराम से बैठ जाता है कि नहीं मुझे लेट फी को नहीं देना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अभी भी कुछ लोगों ने 2017-18 वाली रिटर्न नहीं भरी थी, तो यहाँ पर लेकिन आप देखिए, और 18-19 की तो देखिए डेट अभी भी आपके पास 30 जून है ही, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यहाँ बार क्या लगाई है, फॉर द टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्न ओवर लेस देन 2 करोड़। वेवर जो लेट फी के बारे में बात की गई है वो सिर्फ यहाँ पर उन्होंने 2 करोड़ से नीचे के लिए ही बात की है। देखिए आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी बनाती है या किस तरह से सोचा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बार आप देखेंगे कि ये डिक्लेयर करा था कि हमें जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं तकरीबन 6 से 7% लोग ही हैं जहां से गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू आता है। इसका मतलब जो बाकी 94% या 93% लोग हैं वहां से तो गवर्नमेंट को मेजर रेवेन्यू आता ही नहीं है। अब इस तरह के लोगों से जिनसे रेवेन्यू भी नहीं आ रहा लेकिन गवर्नमेंट उनका ध्यान भी रख रही है, और उसके ऊपर जब आप लेट फी और इस तरह की चीजें लगाते हैं तो वो पहले ही डिस्करेज हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स जहां से उसे रेवेन्यू आ रहा है वो उसके ऊपर तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रखता है, इसीलिए आप देखते हैं कि हमेशा 5 करोड़ से ऊपर जो है वो पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, उनके ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 5 करोड़ से नीचे हैं तो आप कंप्लायंसेस नहीं करेंगे या आप उसका अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे,
नहीं, हमें ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। इनफैक्ट हमें तो ये करना है कि हम जल्दी से जल्दी 5 करोड़ से ऊपर पहुंचे, ताकि आज ही हम डिसिप्लिन सीख लें। क्योंकि जब हम 5 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे तो हमसे लेवल ऑफ डिसिप्लिन जो है वो बहुत हाई लेवल का एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो हमें कहीं भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान हमेशा ही रखना है और अपनी कंप्लाइंसेस को बड़े डिसिप्लिन से, ऑर्गेनाइज्ड वे से और टाइमली ही फाइल करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक और नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 9/2020। ये आपका 16 मार्च को आया था। इसके अंदर ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो कि फॉरेन एयरलाइंस चलाती हैं या जिनके क्लाइंट्स फॉरेन एयरलाइंस के हैं, तो उनके लिए ये एक पॉइंट है। तो वो इस नोटिफिकेशन को पहले जरूर पढ़ें, नोटिफिकेशन नंबर 9 को, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो एग्जेम्प्ट किया है फॉरेन एयरलाइंस को 9C से। तो जिनके लिए ये रेलेवेंट है उनकी नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि वो नोटिफिकेशन नंबर 9 जरूर देखें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने ई इनवॉइस की। और ये वाले पायल मैम, देर इज़ अ नेटवर्क इशू आई थिंक। Am I audible? मैम यू आर ऑडिबल बट योर स्क्रीन एंड योर कैमरा इज नॉट। Yeah, I'm doing that. Yeah. यस मैम, यू आर ऑडिबल राइट नाउ। Yeah. And the screen has come. Okay, now everything is fine. Your camera is not open right now. Okay, I'm doing that. There is a start video option. Yeah, I'm seeing that it's on the left. There is a start video, but the moment I click on the start video, it's not working. Click on it and let it remain so. Continue with that. I think Yes, if yes, in yes. between, if it will be required, I will try Yes, to ma'am. open it. Sure, ma'am, sure. Okay, now we can continue because I think the slides and my voice is more important. Yes, ma'am, sure. We can view your slides and we can also hear you. Okay, fine. ये देख भी नहीं हो रहा। पहले बंद करो जाइए दरवाजा। ओके, नाउ आई होप एवरीवन इज एबल टू हियर मी एंड कैन सी वीडियो एज वेल एज द स्लाइड्स। एवरीथिंग इज परफेक्ट। यस मैम। ओके डन। सो एक्चुअली वी आर इन हैबिट ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स। वी आर द जीएसटी कंसल्टेंट्स। वी नो दैट हाउ टू ओवरकम दीज टाइप ऑफ ग्लिचेस। सो इट हैपेंस। फाइन। ओके, now let's continue with the e invoice and the e wallet.
तो मैं आपसे बात कर रही थी कि लोग अभी इनवॉइस के लिए तैयार नहीं थे, गवर्नमेंट खुद तैयार नहीं थी, जीएसटी का पोर्टल तैयार नहीं था, तो मे बी एक रीजन हो सकता है। तो लेकिन यहाँ इसका यह मतलब नहीं कि हमें इनवॉइस को नहीं जानना या हमें ई वॉलेट को नहीं जानना, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि कनाडा आज 30 ईयर्स हो गए जीएसटी को लॉन्च किया, आज भी इवॉल्विंग है, आज भी इतना चैलेंज है उसके लिए, वो इतनी सारी एफर्ट्स करता है। तो इसी तरह से हमारी कंट्री में भी ऐसा ही रहेगा कि हम नई नई चीजों को लॉन्च करेंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स चलते रहेंगे। तो ये जो ई इनवॉइसिंग है या ई वॉलेट है, उसको एक दिन तो इम्प्लीमेंट होना ही है। तो बेटर है कि हम उसके बारे में जाने कि ये वर्क कैसा करता है, और हम चाहें कि ये जल्दी से इम्प्लीमेंट भी हो। तो अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अभी इसकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2020 जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है इनवॉइसिंग एंड क्यूआर कोड के लिए। और जो आपका ई वॉलेट स्कीम जिसकी बात गवर्नमेंट ने की थी, उसे तो गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2021 तक ही एक्सटेंड कर दिया है। मतलब उसके बारे में तो अभी गवर्नमेंट खुद भी सोचना ही नहीं चाह रही कि ई वॉलेट क्या है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ बताना चाहूंगी, जो अगर कोई भी यहाँ पर एक्सपोर्ट रिलेटेड काम करते हैं या जिनके कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट के अंदर हैं, तो वो तो इस बात को बहुत भली भांति जानते होंगे कि उनके लिए ये ई वॉलेट स्कीम बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अगर एक अगर मैं टैक्स पेयर के बेनिफिट की बात करूं, तो उसके लिए ई वॉलेट स्कीम बहुत जरूरी है। तो इनफैक्ट जिन को इसका बेनिफिट लेना है वो इसको जाने और कोशिश करें कि गवर्नमेंट इसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करे। तो थोड़ा सा कुछ व्यूअर्स जो देख रहे हैं या जो एक्सपोर्ट में नहीं डील करते या जिन्हें नहीं पता कि ई वॉलेट स्कीम है क्या, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपकी नॉलेज के लिए आपको बताती हूँ कि ई वॉलेट स्कीम है क्या, पर्टिकुलरली जीएसटी के लिए वहां पर इसका क्या मीनिंग है। इसको जनरल मीनिंग मत लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ई वॉलेट का मतलब समझा रही हूँ। ये जो स्कीम होगी या जो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जो एक्सपोर्टर होता है, जो एक्सपोर्ट करता है, या जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, उन्हें जीरो रेटेड कहा जाता है। सेक्शन 16 आईजीएसटी एक्ट उनके बारे में बात करता है और उन्हें बोला जाता है जीरो रेटेड। अब इन्हें जीरो रेटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर तो एक्चुअली जीएसटी लगता ही नहीं है। पर लेकिन वो एक्सपोर्टर जीएसटी में फंसा क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना ट्रेल पूरा करना है। गवर्नमेंट को ये जानना है कि अगर एक भी सुई इंडिया में बनती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, मतलब हिंदुस्तान में जितनी भी चीजें बन रही हैं, वो आज कहाँ है, किसने बनाई, किसके पास गई, अब कौन यूज कर रहा है। तो गवर्नमेंट के पास हर चीज का रिकॉर्ड है। तो होता क्या है कि एक्सपोर्ट के केस में तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो बाहर है, तो जीएसटी के तो एम्बिट में वो आता ही नहीं। लेकिन इसे हमें ट्रेल में सो जरूर रखना है एक्सपोर्टर को। अगर इसे ट्रेल में रखना है तो इसको जो जीएसटी की वजह से प्रॉब्लम एक्सपोर्टर को आती है, वो कहता है कि मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो उसमें मुझे बड़ी हैसल है, ये स्टक हो जाता है, मेरे कैश फ्लो पे प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि मेरे रिफंड आने में बहुत, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 साल से रिफंड के लिए कितना ह्यू एंड क्राई है। लोग कुछ कहते हैं कि हमारा रिफंड टाइम से नहीं आता, तो रिफंड को लेके प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसका वर्किंग कैपिटल स्टक हो जाता है। तो इन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकालता है ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या होता है कि वो एक तरह का नोशनल मनी होता है, वो रियल मनी नहीं होती। यानी कि आपको एक वॉलेट बना दिया जिसमें एक नोशनल अमाउंट पड़ा है, और उस नोशनल अमाउंट को आप यूटिलाइज करेंगे अपना जीएसटी पे करने के लिए। आपने रियल में कुछ नहीं पे किया, जो अमाउंट आपके ई वॉलेट में नोशनल पड़ा है गवर्नमेंट आपको देगी, उसकी एक प्रॉपर स्कीम बनाई जाएगी। और ये नहीं कि हर एक्सपोर्टर को दिया जाएगा, कुछ लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे इनिशियली या जैसे भी गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी। तो ई वॉलेट के थ्रू क्या होगा, वो अपना जीएसटी पे कर पाएगा। जब उसका रियल मनी कहीं मूव नहीं होगा, तो इस ई वॉलेट का उस एक्सपोर्टर को फायदा ही मिलने वाला है। तो ये जो आपके फायदे की चीज थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, इसे तो गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2021 तक डेफर कर दिया है। चलिए अब फाइनली हम बात करते हैं, इस मीटिंग को लेकर तो हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए,
कि किस किस तरह के प्रोविजंस जो थे वो लाए गए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर. अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के पॉइंट्स जो थे वो इस कोरोना हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल. तो लेट मी कीप दिस वीडियो ऑफ. आई थिंक सम टाइम ड्यू टू द वीडियो देयर इज सर्टन प्रॉब्लम्स. सो फॉर द टाइमिंग आई एम जस्ट शोइंग द स्लाइड्स एज वेल एज द वीडियो. ऑडियो विल बी ओपन. फाइन. Okay, so now the next point is relief. तो बहुत सारे रिलीफ पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए और उसके बाद क्या था कि इन सब रिलीफ मायर्स को अब देखिए ये अनाउंस हो गए. जैसे जीएसटी के लिए अनाउंस हुए, आपके इनकम टैक्स के लिए अनाउंस हुए, आपके कंपनी लॉ से रिलेटेड अनाउंस किया गया था. तो ये जो उतने भी अनाउंसमेंट्स थी वो पहले अनाउंस हुई, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है कि एक ऑर्डिनेंस पास करना था. तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टन प्रोविजंस का एक ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो 31 मार्च को प्रेसिडेंट ने इसको असेंड दिया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया. तो आपको जितने भी ये जीएसटी के अंदर ये अनाउंसमेंट्स हुई है कोविड के कारण वो सब कब मिली? जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ. ये तो एक पॉइंट था. उसके बाद एक नई चीज और हुई थी. दो ऑडियंस पास हुए थे कोविड के लिए और दूसरा जो हमारे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएसटी कंसल्टेंट है उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक नया सेक्शन 168A इसी को इंसर्ट कर दिया गया है आपके सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस. तो यहां मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी कि क्या नई चीज यहां पर ऑर्डिनेंस के थ्रू ऐड की गई है हमारे सीजीएसटी एक्ट के अंदर. तो यहां पर पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अनाउंस द टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. तो ये चीज पहले थी ही नहीं हमारे एक्ट में, लेकिन आज ये जो क्राइसिस एक्सटेंड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शंस विच कैनॉट बी कंप्लीटेड और कंप्लाइड विद ड्यू टू
audible? Yes, ma'am, audible. Right. Sorry for interruption. Okay, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये सेक्शन बहुत जरूरी था क्योंकि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जितना भी उसको एक्सटेंड करती है डेट्स को, उसकी जो पावर अब उसे मिली है वो इस सेक्शन, अब आप जब भी नोटिफिकेशन कुछ देखेंगे, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अब जितने भी नोटिफिकेशन आप थर्ड को इशू हुए हैं, कुछ 16 को इशू हुए हैं, जो थर्ड को इशू हुए हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर आप वहां जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर रेफरेंस ऑफ दिस सेक्शन 168 मिलेगा आपको, क्योंकि उस नोटिफिकेशन को इशू करने का जो पावर है वो आपको इस नए सेक्शन की वजह से मिला है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। और ये ऑर्डिनेंस के थ्रू सेक्शन आपके सीजीएसटी एक्ट में ऐड हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं कि अब कोविड की वजह से गवर्नमेंट हमें क्या रिलीफ दिया अभी, क्योंकि देखिए सब कुछ लॉकडाउन है, कुछ वर्क नहीं हो पा रहा, तो अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है हमारे लिए अभी इस सिचुएशन के अंदर? तो गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए तो सबसे पहले एक यही स्टेप ले सकती है कि जितनी भी डेट थी, ड्यू डेट्स थी, जहां हमें अपना कंप्लायंस करना था, वहां हमें रिलैक्सेशन दे, क्योंकि अभी हम हेल्पलेस हैं, हम नहीं फाइल कर पा रहे हैं। अगर कोई भी रीजन इस टाइम पर हम इस सिचुएशन में है, तो अभी जो हमें रिलीफ मिला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डेट एक्सटेंशंस को लेकर ही मिला है, या एक आईटीसी को लेकर मिला है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ये नहीं जान पा रही है कि फ्यूचर में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो किस तरह के रिलीफ चाहिए होंगे। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद एक टैक्स पेयर, एक बिजनेसमैन या इकोनॉमी को किस तरह के रिलीफ चाहिए होंगे ये फ्यूचर बताएगा। लेकिन जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट कर सकती थी तो हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया। तो मैं ब्रॉडली बता रही हूँ, एक जर्नल वे में बता रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सटेंशन के बारे में ही बात की है हमारे साथ। तो ये जो नोटिफिकेशंस जितने भी आए थे कोविड से रिलेटेड वो आपके आए थे 3 अप्रैल को, और साथ के साथ ही गवर्नमेंट ने उधर से नोटिफिकेशन लॉन्च किए 3 अप्रैल को, और बिल्कुल साथ ही जो आपका सीबीआईसी है उसने इमीडिएटली 3 को ही उसी से रिलेटेड क्लेरिफिकेशन भी इशू कर दिया। कई बार आप देखते हैं कि पहले नोटिफिकेशन आता है, लोग परेशान होते हैं इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो फाइनली क्या होता है, सीबीआईसी क्या करता है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन इशू करता है। यहाँ तो देखिए सीबीआईसी इतना प्रोएक्टिव रहा कि उधर से नोटिफिकेशन आ रहा है और वहां पर उस नोटिफिकेशन को कॉरेस्पॉन्डिंगली सीबीआईसी अपना क्लैरिफिकेशन भी एक एक पॉइंट पर दे रहा है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 30 से लेकर जो आपका सेंट्रल टैक्स है वहां 30 से लेकर 36 तक जितने भी नोटिफिकेशंस थे वो सारे के सारे आपके कोविड-19 के क्राइसिस से जो बाहर निकालने के लिए जो एक्सटेंशन है उसको देने के लिए जो रिलीफ्स हैं वो नोटिफिकेशन इसी से डील कर रहा है। तो जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 30 जो है ये आपका कॉम्पोजिशन में वेवर ऑफ लेट फीस की बात की गई जो आपका 3B है। Am I audible? Yes, ma'am, audible. Right. तो जहां तक, क्योंकि देखिए लेट फी का जो 3B का वेवर है वो 32 बात करता है। अगर लेट फी GSTR 1 की बात करूं तो 33 उसके बारे में आपको बता रहा है। नोटिफिकेशन नंबर जो आपका 34 है वो आपके साथ अगर कोई भी पर्सन कॉम्पोजिशन डीलर है, कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड है, या उसके क्लाइंट्स कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं तो वो नोटिफिकेशन 34 को देखें। उसके बाद
यहाँ पर जो डेट एक्सटेंशन की मैंने आपसे बात की कि सेक्शन 168 जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ये नोटिफिकेशन नंबर आपका 35 इसके बारे में बात करता है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या क्या नोटिफिकेशंस हैं और ये क्या हमें गवर्नमेंट दे रही है एट प्रेजेंट। सबसे पहले तो कुछ लोगों के माइंड में ये एम्बिग्यूटी थी कि शायद जो ये GSTR 3B है, गवर्नमेंट ने इसी की डेट ही एक्सटेंड कर दी है। तो यहाँ मैं आप सबको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि GSTR 3B की डेट की एक्सटेंशन नहीं है। अगर नहीं है तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो मेरी फरवरी की मैं रिटर्न मार्च में फाइल करती हूँ, वो ड्यू डेट 20 मार्च ही है, जो मुझे मार्च की अप्रैल में करनी थी। जैसे कईयों के लिए 20 मार्च है, जो 5 करोड़ से ऊपर है, उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टैगर्ड, आपको एक नोटिफिकेशन बताया था कि आपको स्टैगर्ड वे में इसे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि 3B जो है, 5 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ में फाइल करना होता है। और उसके बाद कैटेगरी 1 के स्टेट्स के लिए उन्होंने इसको स्टैगर्ड करते हुए बोला कि उनको 22nd ऑफ फॉलोइंग मंथ फाइल करनी है, और दूसरे कैटेगरी 2 जो है स्टेट्स, उनको 24th करना है। तो एक स्टैगर्ड का नोटिफिकेशन आया था। तो जो वो नोटिफिकेशन था वो कंटिन्यू ही रहेगा कि हमारी ड्यू डेट्स को चेंज नहीं किया। पर अब आप यहाँ ये मत डरिए कि ड्यू डेट चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब क्या मुझे इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी सब लगेगी। तो गवर्नमेंट ने इसे नहीं टच किया, उसने इसके इम्पैक्ट से होने वाले, अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो जो भी आप GSTR 1 फाइल करते हैं, GSTR 3 भी फाइल करते हैं, या सेक्शन 51 और 52 वाले लोग हैं, मतलब जो भी टैक्स पेयर जो जो रिटर्न फाइल कर रहा था, उनको इंटरेस्ट से बचाया, उन्हें लेट फी से बचाया है, उन्हें पेनल्टी से बचाया है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन पास हुई है। यानी कि कहने का यहाँ मतलब यह है कि मुझे अपना कंप्लायंस, अगर मैं लॉकडाउन के अंदर, मैं यहाँ ये सजेशन इनफैक्ट देना चाहूंगी कि अगर लॉकडाउन के अंदर मैं, पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं अपनी रिटर्न्स को टाइमली फाइल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी रिटर्न्स को टाइमली फाइल कर देना चाहिए। लेकिन ये जो नोटिफिकेशंस आए हैं उन लोगों के लिए हैं, या उन लोगों को अपने लिए समझना चाहिए जो किसी वजह से मजबूर है इस लॉकडाउन से कि वो रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी रिटर्न खुद ही फाइल करते हैं, आपके पास घर पे ही सारी फैसिलिटीज हैं, आप अपने अकाउंटेंट के साथ, अपने चार्टेड अकाउंटेंट के साथ, या किस जिस प्रोफेशनल से आप रिटर्न भरवा रहे हैं, वो आपको इस सिचुएशन में भी फैसिलिटी दे पा रहा है, तो ये चीजें पॉसिबल है। तो आप, तो मैं कहूंगी कि अपनी रिटर्न्स को टाइमली फाइल करते रहिए, क्योंकि अब लास्ट डेट को मत कंसिडर करिए जो गवर्नमेंट ने आपको यहाँ प्रोवाइड करी है। क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, आज हर कोई फरवरी से लेके अप्रैल तक यही सोचेगा कि मुझे जून की ही वेट करनी है, तो क्या होगा, 3 मंथ्स की रिटर्न्स जो है इकट्ठे ही सब अगर जून में फाइल करने लग जाएंगे, तो फिर वही एक गवर्नमेंट का खुद का सर्विस ही क्रैश हो जाएगा। तो उन सब चीजों को हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी सोचना चाहिए कि हमें एक दूर की सोच रखें कि नहीं, हमें सर्वर्स को क्रैश होने से बचाने के लिए, या उस टाइम मैं ही खुद ही पैनिक में आऊं, या हम लोग पैनिक में आ जाए, नहीं मेरी रिटर्न फाइल नहीं हुई टाइम से। क्योंकि आप सोचिए, जैसे ही वो जून बीत जाएगा, ये जितनी लेट फीस है या जितना इंटरेस्ट होगा, वो जून के बाद एज इट इज अप्लाई होगा, तो आप देखिए वो आप कितना लेट हो चुके होंगे, वो तो अप्लाई होगा। तो इस चीज को सिर्फ वो लोग देखें जो किसी मजबूरी में फंसे हैं और अपना कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पैकेज उनके लिए है, लेकिन हम सोचते हैं ये हम सबके लिए है, या हम आराम से बैठे अपने घर में। नहीं, अगर हमें एफर्ट करनी है और जो हमारे लिए पॉसिबल है, हमें उस पॉसिबिलिटी तक वो सारे कामों को करते रहना है। तो हमें फैसिलिटी क्या दी गई है, अगर मैं GSTR 1 की बात करूं, तो 1 के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी लोग रिटर्न 1 है आपकी फरवरी की, मार्च एंड अप्रैल 2020 की, ये सारी की सारी आप 30th डे ऑफ जून तक अपनी 1 को फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको एक फैसिलिटी 1 में दी गई है।
कर सकते हैं का यहाँ मतलब है कि टाइम से फाइल, लेकिन कोई भी इससे रिलेटेड जो भी आपको लेट फी या पेनल्टी कुछ भी लगती है इसके ऊपर वो नहीं लगाई जाएगी अगर आप 30 जून तक फाइल कर देते हैं। ये तो था वन को लेकर। उसके बाद लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो रहती है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन इंटरेस्ट को लेकर है कि इंटरेस्ट का वेवर किस तरह से है, खास तौर पर जो लोग 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं। देखिए जो तो 5 करोड़ से नीचे है और जो गवर्नमेंट ने ये आप देख रहे हैं कि ये कॉलम नंबर जो ये कंडीशंस वाला है, इन्होंने कुछ डेट प्रिस्क्राइब करी है कि इस मंथ वाली 3B यहां तक फाइल करनी है। तो यहाँ जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 1 है, तो यहाँ मैं इंटरेस्ट की बात करें तो टैक्स पेयर जिनकी 5 करोड़ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में से ज्यादा है, उन लोगों के लिए क्या गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, उसके लिए बोला है कि निल रहेगी 15 डेज के लिए ड्यू डेट से, और उसके बाद उसके ऊपर 9% लगेगा। और कौन कौन से टैक्स पीरियड की गवर्नमेंट यहाँ बात कर रही है, फरवरी मार्च अप्रैल। यहाँ पर एक कंडीशन साथ में क्या लगाई है कि रिटर्न, ये जो आपको ये फैसिलिटी नील की और 9% वाली जो दो एडिशनल फैसिलिटी मिल रही है, ये कब तक मिलेंगी, ये सिर्फ आपको 24 जून तक ही मिलेंगी। तो मैं यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। पहले 15 डेज तक निल का मतलब क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए अब मार्च के रिटर्न आपको ड्यू डेट क्या होती है, अभी हम मैं सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वालों की बात कर रही हूँ। अब आपकी ड्यू डेट क्या है, 20th ऑफ अप्रैल। 20th अप्रैल तक आपको अपनी रिटर्न को 3B को फाइल करना है, 5 करोड़ से ऊपर वाले को, ठीक है, आप नहीं फाइल कर पा रहे हैं। और 20 अप्रैल के बाद जो अगले 15 दिन होंगे उस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, यानी कि वो निल है। और साथ के साथ ही आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लग रही है, कोई भी पेनल्टी नहीं लग रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा, राइट। लेकिन अब मान लीजिए 20 अप्रैल से 15 दिन से ऊपर हो गए, अब 15 दिन ऊपर होने के बाद क्या होगा कि पहले 15 दिन जो होंगे 20 अप्रैल के बाद, पहले 15 दिन के लिए तो निल ही रेट इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप मान लीजिए 20 दिन 40 दिन लेट हो गए हैं तो उतने पर्टिकुलर डेज के लिए आपके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 9% से लगेगा। ये 9% जो है, जो प्रेजेंट रेट है वो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने इसको 9% कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कारण, वही कारण जो मैंने आपको बताया था कि 5 करोड़ से ऊपर से ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है वो आपके 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए लगाया गया है ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू एटलीस्ट टाइम से लेती रहे और ये लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू टाइम से दे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कंट्री को चलाना है। अगर गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू टाइम से नहीं मिलेगा तो वो कंट्री को कैसे चलाएंगे। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए ये वाला पैकेज जो था वो 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए बनाया गया। अब गवर्नमेंट को पता है 5 करोड़ से नीचे वाले से तो ज्यादा रेवेन्यू ही नहीं आता, अगर ज्यादा रेवेन्यू ही नहीं आता तो ठीक है इन्हें खुश कर दिया जाए और इनके लिए तो निल डिक्लेयर कर दो। लेकिन यहाँ एक बात को ध्यान रखिए कि निल डिक्लेयर करने का भी एक टाइम लिमिट है, यानी कि सदा के लिए निल हो गया है तो उसका फिर बाइफरकेशन किया गया। यहाँ कहा गया कि जो टैक्स पेयर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के अंदर फॉल कर रहा था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जो तो फरवरी और मार्च की रिटर्न जो आउटवर्ड सप्लाई का डेटा नेक्स्ट मंथ में बताना है, उसके लिए उन्होंने क्या डेट बताई, 29 जून। और जो आपकी अप्रैल का होगा, ये 1.5 करोड़ से 5 करोड़ में जो फॉल कर रहे हैं उनके लिए, ये लास्ट वाला देखिए आप कॉलम, लास्ट वाली रो देखिए, इसके अंदर डेट आपकी 30 जून कर दी गई है अप्रैल के लिए, राइट। उसके बाद जो आपके 1.5 करोड़ से नीचे वाले हैं एग्रीगेट टर्नओवर वाले, उनके लिए फिर 3 बाइफरकेशन हैं, फरवरी मार्च और अप्रैल के अलग अलग डेट्स बताई गई हैं। जैसे कि फरवरी के लिए तो 30 जून,
मार्च के लिए 3 जुलाई 2020, अप्रैल के लिए 6 जुलाई 2020। तो ये किस चीज के लिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आ किसी की भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे की है, और अगर तो अप्रैल वाली रिटर्न 6 जुलाई से पहले भर देगा तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन मान लीजिए उसने अपनी अप्रैल वाली रिटर्न 6 जुलाई के बाद भरेगा, उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% एप्लीकेबल है जीएसटी लॉ के अंदर, वो लगना शुरू हो जाएगा, और वो भी आपकी ड्यू डेट से। देखिए, ये एक रीजन होता है कि आपको ड्यू डेट को नहीं चेंज करना, इसीलिए वहां पर जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको जवाब दिया कि ड्यू डेट को नहीं हिलाया गया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ड्यू डेट को हिला देती तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती वो तो फिर ये 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाती, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे ड्यू डेट नहीं बनाया। ड्यू डेट आज भी वही है जो लॉ में एप्लीकेबल है आपकी। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं कॉम्पोजिशन वालों के लिए, अगर किसी का क्लाइंट या वो एसएससी जो व्यूअर है अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर में है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ प्रोवाइड किया है कि जो आप लोग CMP 08 फाइल करते हैं, जो कि क्वार्टर होता है, अब जो आपका क्वार्टर जनवरी से मार्च वाला ड्यू था, इस क्वार्टर के लिए गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि इसे आप 7/7/2020 तक फाइल कर दीजिए, यानी कि 7 जुलाई तक फाइल कर दीजिए, एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद जो आपका GSTR 4 होता है कॉम्पोजिशन के लिए, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको डेट को जो है बोला है कि आप इसको 15 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो क्या होता है, उसको एक इंटीमेशन देनी होती है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, तो उन्हें भी ये फैसिलिटी दे दी गई है कि आप अगर कॉम्पोजिशन में एंट्री डालना चाहते हैं तो आपको 30 जून तक का टाइम दिया जाता है, तो आप कॉम्पोजिशन में एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज प्रोविजन क्या है कि अप्रैल फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग से पहले एंटर होना होता है, तो ये आपको फैसिलिटी एक्सटेंशन की दी गई है। फिर उसके बाद जो आपको ITC की 03 में डिटेल्स देनी होती है तो वो भी आप अपने 31 जुलाई तक प्रोवाइड कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम वाले। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सबको ही हमेशा ITC के रिगार्डिंग एक हमेशा कंसर्न रहता है ITC, राइट? तो जो एक नई प्रोविजन आपके ऊपर रूल 36(4) लगा था, जिसके अंदर की पहले गवर्नमेंट ने बोला था 20%, फिर 10% पर आ गए थे, तो ये जो एप्लीकेबल रूल 36(4) था, इसे बोला गया है कि ये रूल अप्लाई, अभी इसको रोक दिया गया है, नहीं होगा कब तक के लिए, जो आप GSTR 3 भी भर रहे हैं फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि अगस्त तक आप निश्चिंत रहिए रूल 36(4) को लेकर, ये नहीं लग रहा है। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, पहले आप क्या करते थे 2A को देखते थे, वहां पर आपको जो है 10% का आपके ऊपर लॉक लगाया गया था, तो वो फैसिलिटी लॉक नहीं है, यानी कि कुछ भी शिपमेंट आ रही है, आपके पास इनवॉइस है, आपको लगता है कि मेरा ये क्लेम बनता है, तो आप बड़े आराम से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगस्त तक के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद आपको पता है कि सितंबर का महीना GST के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि उसके बाद यहाँ वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव, बट द सेट कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली, यानी कि कट्ठा अप्लाई होगा। अभी कैसे अप्लाई होती है, मंथली बेस पे होती है, अब क्या होगी, क्यूमुलेटिवली होगी फॉर द सेट पीरियड। सेट पीरियड यहाँ पर कौन सा है, सेट पीरियड यहाँ पे आपका फरवरी से लेके अगस्त तक का है, यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन तक का जितना भी ITC से रिगार्डिंग ये 36 जो आपका रूल लगता है, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, सितंबर के महीने में क्यूमुलेटिव लेंगे, यानी कि आप इकट्ठा जोड़ लीजिए, टोटल 2A में क्या दिख रहा है, टोटल आपने कितना क्लेम कर लिया। अगर मान लीजिए सितंबर में जब आपने टोटल कैलकुलेशन की और आपको लग रहा है कि आपने तो अरे ज्यादा क्लेम कर लिया, तो ठीक है आप रिवर्स कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ पर जो आपका रूल 36(4) था, वो अभी इतनी ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट ने उसे रोक दिया है। फिर आते हैं अपने ईवे बिल के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो ईवे बिल जनरेट हो चुका था और कईयों का एक्सपायर हो गया, सामान वहां पहुंचा ही नहीं था। तो वहां गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी ईवे बिल आपने इशू करे थे, जो 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के थे, एप्लीकेबल थे यहाँ तक, जिनकी वैलिडिटी इस टाइम जोन में थी, तो उनके लिए कहा गया कि इसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं वो 30 अप्रैल तक। तो आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ एक्सटेंशन, डेट एक्सटेंशन के ऊपर ये बात की जा रही है, राइट? उसके बाद इसी तरह से जो लोग TDS 51 के अंदर फॉल कर रहे हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं, इन सबके लिए जो भी इनकी रेलेवेंट रिटर्न इनको फाइल करनी होती है, अप्रैल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मार्च से लेके अप्रैल तक, वो कब तक उनको टाइम ड्यूरेशन दे गई है, 30 जून 2020 तक उन्हें टाइम दे दिया गया है, राइट? उसके बाद जो 54 में सेक्शन 52 वाले टीडीएस वाले हैं, उन लोगों को भी जो भी रेलेवेंट रिटर्न अपनी फाइल करनी होती है, वो 30 जून 2020 तक अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। और जहां तक बात रही आपका 9 और 9C को लेकर, इसमें तो गवर्नमेंट को आपको कोविड के अंदर कोई रिलीफ देने वाली बात ही नहीं थी, तो आई थिंक यहाँ पर हेडिंग ये नहीं रखेंगे कि रिलीफ मायर कोविड के अंदर नहीं दिया गया, तो ये कोविड का नहीं है, ये रिलीफ जो है ये तो पहले ही काउंसिल मीटिंग के थ्रू ही दे दिया गया था, और ये बताया गया था कि 9 और 9C जो आपका टाइम पीरियड 2018-19 वाली है, इसे आप 30 जून तक फाइल कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्लोज करती हूँ, और अब हमारे पास हाफ एन आवर का टाइम है। जैसा कि हमने पहले ही इनिशियली डिसाइड किया था कि हम आधा घंटा जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे, तो किसी को भी किसी भी तरह का डाउट या कोई भी क्वेरी है, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माउस लेकर आना। ऑडिबल
Am I audible? Am I audible? Am I audible? हेलो हाँ जी मैम, आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, तो अब हम इस टाइम पर क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इट इज मैंडेटरी टू एमएसएमई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एमएसएमई का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। जीएसटी लॉ कहीं भी आपसे एमएसएमई के सर्टिफिकेट की मांग नहीं करती है। उनका क्राइटेरिया है कि आपको तो अपनी जो टर्नओवर होती है वो आपके जो ऑडिट है या जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने इनकम टैक्स के अंदर अपना टर्नओवर दिखाया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, जो आपके अकाउंट्स बोलते हैं वही वहीं से वो ट्रेस करता है आपकी टर्नओवर के क्राइटेरिया को। यहाँ पर कहीं भी जीएसटी लॉ जो है वो एमएसएमई के सर्टिफिकेट के होने को मैंडेटरी नहीं कहता। उसके बाद मिस्टर प्रवीण कटियाल जी ने एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि वेदर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कैन बी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अराउंड कैंसल अराउंड 1 ईयर बैक। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर 30th काउंसिल मीटिंग के अंदर बात की गई है, उन्होंने डेट बोली थी 14th मार्च तक। तो यहाँ पर आप अपनी आपका जिस भी दिन तक रेवोकेशन जो है उसने आपका स्टक कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही एक इफेक्टिव डेट से आपकी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उससे पहले तक के रिटर्न फाइल करने देता है सिस्टम। तो इसके अंदर सिस्टम क्या रहता है कि आप अपनी रिटर्न्स उस टाइम पीरियड तक के लिए फाइल करें, उसके बाद पोर्टल पे जाइए, लॉग इन करिए, वहां पर एक फैसिलिटी होती है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहां पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है फिर उसके बाद आप अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं कि आपने इसे अप्लाई करा है, नहीं तो अदरवाइज एज पर लॉ ये उनकी ड्यूटी भी बनती है कि इस तरह के मैटर्स को टेकअप करें। नहीं, यहाँ उसके बाद एक अटेंडी है, उन्होंने यहाँ क्वेश्चन बोला है कि जो लिमिट 5 करोड़ से इंस्टेड ऑफ 2 करोड़ है इज ओनली फॉर 9C और इवन फॉर 9। नहीं, यहाँ पर मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये वाली जो लिमिट है वो सिर्फ 9C के लिए बात की गई है, यहाँ पर 9 के लिए नहीं। 9 के लिए तो देखिए, 9 जो GSTR 9 है वो तो जितने भी टैक्स पेयर हैं आज की डेट में गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंगली 1.22 करोड़ लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो ये जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं ये 1.22 करोड़ सबके सबको 9 भी भरनी है, इसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 9 तो सबको ही भरनी है। तो यहाँ पर ये जो रिलैक्सेशन जो की गई थी वो सिर्फ यहाँ आपके 9C के बारे में ही बात की है उन्होंने। कोई भी अटेंडेंस कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मैम यहाँ चैट बॉक्स है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ मिस्टर प्रतीक ने एक क्वेश्चन पूछा है, उनका कहना है कि एवरी पर्सन गेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी देयर फिजिकल वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी इफ आर रेवोकेशन इज डन एंड वी फाइल रेवोकेशन अप्लाई एप्लीकेशन रिप्लाई सो कैन वी फाइल रिटर्न्स। देखिए, पहला आपने दो क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि जहां तक फिजिकल वेरिफिकेशन की बात है, जो तो टैक्स पेयर के पास आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, उसके पास आधार ही नहीं है, उनके लिए तो उन्होंने प्रोसीजर सेट ही कर दिया का, उसका तो मैंडेटरी वेरिफिकेशन होगा ही। लेकिन इवन आज की डेट में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ यूपी में, यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर आता ही है, वो देखता ही है प्रेमिसेस को और वो ऑथोराइज पर्सन से भी बात करता है। तो ये प्रैक्टिस कुछ ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर तो फॉलो की ही जाती है, लेकिन अब लॉ के अंदर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन कर देना एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए,
वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है. उसके लिए तो उन्होंने देखिए प्रिस्क्राइब फॉर्म भी किया है. यहाँ पर तो क्या होता है कि जो 3 साल से प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, आपके भी बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे अगर आप खुद क्लाइंट हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो आते हैं, तो वो लॉ के अंदर अलाउड है, उन्हें जीएसटी के अंदर भी इसकी क्लॉज है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है. तो ये रिलेशनशिप इसका उस बात से नहीं है, वो उनके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है. लेकिन यस, उसके पास पावर है कि वो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए प्रेमिसेस का प्रॉपर ऑफिसर आ सकता है. दूसरा आपने बोला है कि रेवोकेशन के लिए, हाँ रेवोकेशन आपने बोला कि हम फाइल कर चुके हैं एंड वी फाइल रेवोकेशन एप्लीकेशन रिप्लाई. देखिए आपने अभी सिर्फ फाइल किया है, आपने यहाँ जो क्वेश्चन मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, जो आप कह रहे हैं कि आप अप्लाई कर चुके हैं, अब यहाँ क्वेश्चन है आप जब अप्लाई करते हैं उससे पहले आपको असूलन जहां तक आप पोर्टल आपको फाइल करने देता है रिटर्न्स, वहां तक फाइल कर लीजिए. और पोर्टल वहां तक फाइल करने देता है जहां तक ऑफिसर ने लिखा है कि इस स्पेसिफिक डेट से आपका एप्लीकेशन, आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाती है. फॉर एग्जाम्पल आप 2017 से ही रजिस्टर्ड हैं और उसके बाद वो बोलता है और आपने आज तक कभी रिटर्न नहीं फाइल करी, और मान लीजिए उसने आपकी जो रिटर्न थी, जो जीएसटी का नंबर था, वो नवंबर 2018 में कैंसिल किया फॉर एग्जाम्पल. तो होता क्या है कि पोर्टल में नवंबर अक्टूबर 2018 तक की रिटर्न आपको पोर्टल फाइल करने देता है. तो आपको करना क्या होता है, पहले 18 अक्टूबर 2018 की सारी रिटर्न फाइल करें, उसके बाद ये रेवोकेशन को इमीडिएटली फाइल करें, इसकी एप्लीकेशन, और उसके बाद वहां पर आपको मेंशन करना होगा कि मैं ये रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, मैं बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मेरी रेवोकेशन जो आप इसको करें ताकि मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकूं. तो इसके लिए आपको ये एडिशनल काम उसके बाद करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां लिखा है एग्जिस्टिंग विद एडिशनल पॉइंट्स ऑफ न्यू इन ओल्ड सिस्टम. मे बी ये उस क्वेश्चन का रिप्लाई लिखना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या एडिशनल न्यू रिटर्न्स आनी चाहिए या एग्जिस्टिंग ही ठीक है विद एडिशनल पॉइंट्स. तो शायद ये उसी को बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम एडिशनल पॉइंट्स जो न्यू के अच्छे फीचर्स हैं वो ऐड करें और इसको कंटिन्यू करें. राइट एक यहाँ पर मिस्टर रविंदर गर्ग जी ने क्वेश्चन किया है, एज इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन नेट, देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स विल इट बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टीडीएस. देखिए नेट का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से है. यहाँ पर आपका ग्रॉस और नेट के अंदर क्या होता है कि पहले क्या था, ग्रॉस का मतलब है कि टोटल जितनी टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा है तो वो भी तो लेस होगा ना. तो आप मान लीजिए 1 करोड़ का टैक्स बनता है और मान लीजिए उसके अंदर 50 लाख तो इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा है, तो आप पूरे 50 पे 1 करोड़ पे थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा. तो इन दैट केस आपको जो यहाँ पे फोकस करना है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करना है कि वो यहाँ पर डिडक्ट होगा. यहाँ एक क्वेश्चन मिस्टर प्रफुल्ल जी ने पूछा है कि वर्ड यूज्ड इन प्रेस रिलीज फॉर रिलैक्सेशन टू एमएसएमई फॉर फाइलिंग 9C, व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ एमएसएमई. तो एक बार आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बार मैं दोबारा से इस नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज को दोबारा से देखूंगी. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक सी राज चावला जी ने एक ग्रुप बना रखा है, एक बार इस क्वेश्चन को वहां डालिए. तो इस क्वेश्चन को मैं आपको उस व्हाट्सएप के ग्रुप पे रिप्लाई करती हूँ, एक बार मुझे इसको चेक कर लेने दीजिए ये जो प्रेस रिलीज आई है, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का
प्रॉपरली जवाब दे पाऊं. एनी अदर क्वेश्चन? Ma'am, we have also a raised hand of Mr. Sanjay Kumar Lal. I'm allowing him to talk. He can raise his query. Mr. Sanjay, you can unmute your mic and raise your query, please. Hello. Yes, sir. Yeah, good evening, ma'am. Yeah, good evening. Yeah, Jackie, we belong to small city in Bala. So just there is confusion about, you know, audit fees. What is happening is that people here, they are expecting that a good fees for filing a 9C, but ultimately they end up charging only 7,000 to 10,000 only, even for 5 crore companies. So is it okay or what? Because the responsibility is very high, and in that case, what should we do? In competition, you cannot say anything to the party. Hello. 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 Sanjay sir, Payal ma'am has, I think there is a technical issue there also. Okay. I'm trying to connect with Payal ma'am. Payal ji, have you heard his question? So we are trying to get him back. Yeah, am I audible? Hello. Hello. Yes, ma'am. Yeah, Mr. Sanjay, please ask your question again. Just this was, it is a generic thing, you know, regarding the professional fees. What professional fees generally we should charge for a company having a turnover of 5 crore for filing 9C? That is what I am asking. Hello. 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 Issue with her internet right now, I think. Okay. I have written also. Yes. So you can apply on that. Yes, Payal ma'am. Sanjay sir is asking that what fees should he charge for filing 9C for a company that has a turnover of over 5 crore rupees? I don't think I'm the right person to answer this question. Reason being, it's your own work involved and all the efforts involved, and you are the best person to identify that what should be the professional fees. Mm-hmm. Well, that's fine. But the answer you don't have the answer. No, it doesn't mean that I don't have the answer. I think I'm not the right person to answer that. What should be the professional fees to be charged for 9C? Actually, the effort involved is very high. The effort involved is very high. Because that's very subjective matter, actually. But it should be one answer for that. There should be something, you know, because. There is a lot of effort involved. Yes, sir. But that's what I'm saying. The efforts are involved. So you are the best to judge that what should be the, considering the volume of work, the efforts involved, you are the best person who can answer this question. Okay, that's fine. Thank you so much. Thank you. Okay, welcome. I think all queries are taken up, ma'am. Yeah. If some queries are still left, even in future you find that there is a certain query, there is a WhatsApp group, you can ask any relevant question. You all are welcome. So that's a very great session taken by CS Payal Katyal ji, and I think it's been a very interactive session. She had tried to answer all the queries of every participant. I thank you her for taking out her time for us members, and enlighten us with her knowledge on GST. This is a very relevant topic right now, and we need to keep learning on this topic again and again.
because it is very constantly changing and new notifications coming on every day. So I thank Raj Chawla sir for organizing this great webinar and inviting all the people from all over the industry to attend this webinar, and also thank Payal ma'am to take her time out and enlighten us with her knowledge. So I thank you so much, ma'am. Yeah, I also thank you, CM Raj Chawla ji, and all the participants and everyone who is participating in this webinar. And again, namaste to all of you, and stay happy and stay at home so that soon the lockdown is over. And thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you all attendees for attending the event. Thank you all. I'm ending the meeting.